Hello my dear students and friends, once again welcome back to Varnita Easy Help। और आज का दिन हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल डे है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन तो आलस करना बिल्कुल भी बनता ही नहीं है, तो मैं आज के दिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ आलस से आज़ादी पाइए, आलस को छोड़ दीजिए। आलस से आज़ादी पाके उस पर अपनी विजय हासिल करिए और पढ़ाई को स्टार्ट करिए। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट के MCQs को। अभी तक मैं डिमांड इकोनॉमिक्स का डिमांड पढ़ा रही थी, डिमांड के MCQs को डिस्कस कर रही थी, पर अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज बिजनेस इन्वायरमेंट के MCQs। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो नंबर 1 है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक। एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं। एम्प्लॉयज़ आर द इंटरनल फैक्टर। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। रिलेटिविटी भी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इट्स वेरी इजी। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन इसमें से रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन and the next one is improvement in performance and the next one is coping with rapid change and the last one is all of them. So here our answer is all of them. All of them represent and indicates the importance of business environment. Okay, move on the next question, that is question number 3. Which of the following is an example of social environment? इसमें से पूछा गया है कि ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? लेट अस सी। So first one is money supply in the economy, Consumer Protection Act, the Constitution of the country, and the composition of family. So here the composition of family is an example of social environment because these 3 are the options of legal environment, legal and political environment, because under legal and political environment we study about the rules and laws made by the government for our country or for our business, but under social environment we study about the ethics, about the culture and the habits and the fashions of the consumer. Okay, moving on the next question, that is the question number 4 and it's very easy. The question number 4 is there are dimensions of business environment. Business environment की dimensions है, तो कितनी dimensions हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। So अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। आज मैं जितने भी MCQs डिस्कस कर रही हूँ, मैं इन सब के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने 3 वीडियोस ही अपलोड किए हैं अभी तक, पर मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं मैंने उतने ही कंटेंट से MCQ आज डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ मेरी उन 3 वीडियोस को कॉमर्स की देखिए। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। ओके, और अगर आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से वीडियोस को प्रोवाइड करूँ। ओके, सो देयर आर, यस, वी हैव डिस्कस्ड 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1 इज माइक्रो एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो। ओके, moving on the next question, that is the question number 5. आज की वीडियो में हम 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ओके। सो येट वी आर ऑन द 5 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोगों ने 2 डायमेंशंस पढ़े हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। एक पढ़ा है माइक्रो, अभी मैंने डिस्कस किया पीछे क्वेश्चंस में, और दूसरा पढ़ा है मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर हैं। नंबर 1 इज़ इंटरनल एंड द सेकेंड 1 इज़ एक्सटर्नल। तो इस क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से इंटरनल फैक्टर का कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ह्यूमन एंड अदर्स। ओके, सो हियर इन द ऑप्शंस वी कैन से कॉर्पोरेट कल्चर इज अ पार्ट, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो अ पार्ट, पावर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट, लीगल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ इंटरनल फैक्टर। ओके, now moving on the next question, that is question number 6, micro environment consists of। इसमें पूछा गया है कि माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। माइक्रो इन्वायरमेंट किससे मिलके बना है, कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनसे मिलके बना है। सो वी स्टडी माइक्रो इन्वायरमेंट is divided into 2 factors, that is internal and external. So this one is the answer, internal and external. The rest of them are the parts of micro and macro environment. Okay, moving on the question number 7. This is the last question of today. Question number 7 is which one of the following do not belong to external factor। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं बिलोंग करता है। सो हेयर आई डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर्स। यू कैन सी एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कस्टमर, competitor, supplier, marketing intermediaries, financial and publishers. These are the external factors. So in this, goal and objective of a company is do not belong to external factors. Okay, and rest of them are the parts of external factor. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, आउटसाइड लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं, आउटसाइड लाई करते हैं। ओके, आई होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सीइंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। आप इस घंटी के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस टुडे इन द वीडियो, इफ़ यू हैव फील एनी। ओके, थैंक यू गाइज वंस अगेन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड